आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट और आज हम देखने वाले द काबुली वाला चैप्टर नंबर जो फाइव है उसका पार्ट टू देखने वाले हैं ठीक है देखो क्या कुछ है यहाँ पर रेमांस फेस लिट लिट अप अप लाइट अप की सेकेंड फॉर्म है लिट अप मतलब जगमगा उठा एज ही टर्न टू हर जैसे ही वो मिनी की तरफ मुड़ा उसकी तरफ मुड़ा ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टूडे आज उसके कंधे पर कोई बैग टंगा नहीं था है ना सो so, सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट जोक विद हिम इसलिए जो मिनी है उसके साथ कोई एलिफेंट वाला जोक डिस्कस नहीं कर पाई नहीं तो हमेशा क्या पूछती थी कि आपके बैग में एलिफेंट है क्या ऐसा वैसा कुछ है ना ऐसा कोई डिस्कस वो नहीं कर पाई है ना एलिफेंट जोक विद हिम इसलिए आज वो कोई जोक नहीं कर रही थी और आगे क्या हुआ सी एट वंस प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और वो तुरंत ही प्रोसीड मतलब बढ़ गई अगले सवाल की ओर क्या कह रही मिनी आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रहे हो क्या अपने ससुराल जा रहे हो क्या ऐसा है ना? वो कह रही थी तो और इसका मतलब काबुली वाला के वर्ग के लोगों में क्या था कि जेल जाना है ना ऐसा वो कह रही और जब वो ऐसा कहती तो तो काबू वाली क्या कर काबुली वाला क्या करता था ऐसी मुट्ठी बांधता था और किसी आ, इंसान को इमेजिन करता था पुलिस वाले को ऐसा मजाक का और उसके तरफ ऐसी मुठ्ठियाँ ऐसा मारने की एक्टिंग करता था और क्या बोलता था आई विल थ्रेशन हिम है ना मैं अपने ला, फादरिन लाकू क्या करूँगा थ्रेसन कर दूंगा मारूंगा है ना ऐसा वो करता था और इसके बाद वो दोनों खूब हंसने लगते थे वैसे ही होता था तो अभी क्या हो रहा है देखो रहमान लाव्ड एंड सैड रहमान हंसा और कहा जस्ट देयर आई एम गोइंग हाँ वहीं मैं जा रहा हूँ लिटिल वन हाँ बेटा मैं वहीं जा रहा हूँ ऐसा वो कह रहा है देन सींग दैट देन सींग और देखते हुए काबुल वाला ये देख रहा है दैट द रिप्लाई हैड नॉट अम्यूज द चाइल्ड ये जो जवाब उसने दिया उससे चाइल्ड उतनी अम्यूज नहीं हो रही खुश नहीं हो रही क्यों क्योंकि हाथों से जो उसके बाद जो एक्टिंग करता है वो नहीं कर पा रहा है ना ही हैल्ड अप हिज चेंड हैंड इसलिए उसने क्या किया अपने चेंड मतलब चेंज से जो बंधे हुए हाथ थे उसको हेल्ड अप क्या उठाया एंड सैड और कहने लगा आई वुड हैव थ्रेस्ड दिस ओल्ड फादर इन लॉ मैं जरूर थ्रेस्ड करता मारता है ना बीट करता किस को इस ओल्ड फादर इन लॉ को बट माई हैंड्स आर बाउंड लेकिन मेरे हाथ क्या हैं बंधी हुई हैं ऐसा वो कह रहा है मिनी को है ना रहमान वॉज सेंटेंस्ड सेंटेंस्ड का मतलब होता है सजा सुनाना रहमान को सजा सुनाई गई थी फॉर सम ईयर्स इम्प्रजेंटमेंट कुछ देर, कुछ सालों तक इमप्रजेंटमेंट मतलब जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी है ना? टाइम पासड अवे समय बीतता गया एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड और अब उसे याद नहीं किया जाने लगा उसे सब लोग लगभग भूल गए थे इवन आवर लिटिल मीनी जो लिटिल मीनी थी वो भी अब काफ़ी समय हो गया था है ना वो भूल गई थी उसे आई एम असेम्ड टू से मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही ऐसा कहते हुए कि फॉर हर ओल्ड फ्रेंड कि वो अपने कि मैं भी उसके उस पुराने मित्र को भूल गया था ठीक है नाउ कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ और जो मिनी की जो लाइफ थी उसमें उसको फिल कर दिया था कंपेनियंस ने उसके नए नए मित्रों ने उसकी लाइफ में को फिल कर दिया था है ना ठीक है काफी नए नए मित्र बन गए थे उसके उम्र के साथ साथ एस सी ग्रे ओल्डर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स ऑफ हर एज जैसे वो बड़ी हो गई तो अपना अधिकतर समय किसके साथ बिताने लगी मीनी अपनी ही उम्र की लड़कियों के साथ बिताने लगी ठीक है ईयर्स हैड पासड अवे काफ़ी साल बीतते चले गए इट वॉज़ द डे ऑफ मिनीस मैरिज और अब शादी का दिन आ गया मिनी की सिंस अर्ली डाउन सुबह एक की ही बात थी है ना सिंस अर्ली डाउन सुबह सुबह की बात है द वेडिंग पाइप हैड बीन साउंडिंग वेडिंग पाइप जो शादी की जो सहनाई के पाइप थे वो बज रहे थे अब जो दुल्हन है वो घर से विदा होने वाली थी सुबह का समय रहता है ना तो सुबह के टाइम क्या होती विदाई होती ठीक है तो वही चीज़ है तो जो वेडिंग के शादी के सहनाइयाँ बज रही थी इट वॉज सिटिंग इन माई स्टडी आई वॉज सॉरी आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था लुकिंग थ्रू द अकाउंट में कुछ हिसाब किताब देख रहा था अकाउंट थोड़ा सा है ना और सडनली क्या हो गया समवन एंटर्ड कोई आया अचानक एंड सैल्यूट रिस्पेक्टफुली और सम्मान के साथ मुझे सेल्यूट किया है ना नमस्कार किया इट वॉज रहमान वो कौन था रहमान था द काबुली वाला ये काबुली वाला ही था है ना एट फर्स्ट और शुरू में तो आई कुड नॉट रिकोगनाइज हिम मैं उसे पहचान नहीं पाया बट आई रियलाई रियलाइज इट वॉज हिम वैन ही इस्माइल लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ये वो है मतलब काबुल वाला है वैन ही स्माइल जब उसने मुस्कुराया तब मैंने मुझे पता चला अरे ये तो वो है है ना हाउ आर यू रहमान आई सेड मैंने कहा अरे रहमान तुम कैसे हो वैन डिड यू कम तुमका बाय आई वॉज लेट आउट ऑफ प्रिजन यस्टरडे इवनिंग ही रिप्लाइड उसने क्या रिप्लाई दिया कि मुझे कल ही जेल से छोड़ा गया है कल शाम को ही है ना तो वर्ड्स स्ट्रक हार्स अपॉन माई इन वर्ड्स ने मेरे कानों में गहरी चोट कर दी मुझे काफी दुख हुआ है ना आगे क्या हुआ I thought कि वो जेल में था चीज मुझे याद, मुझे याद आ गई और मुझे काफी हर्ट हुआ कि इतने साल बाद ये छूटा है ना आगे क्या हुआ आई थॉट हिज कमिंग वॉज नॉट अ गुड ओमन बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनी मैरिज आई थॉट मैंने सोच, मुझे लगा कि हिज कमिंग उसका आना वॉज नॉट अ गुड woman. Woman का मतलब है शगुन या लक्षण एक अच्छी बात नहीं है उसका आना है ना एक अच्छा सगुन नहीं है बिकॉज क्योंकि इट वॉज द डे ऑफ Minnie's marriage. अब ये मिनी की शादी का दिन था ना उसके विदाई का दिन था काफ़ी सारे मेहमान थे और उस दिन अगर वो आ रहा है तो हो सकता है कि लोग सोचेंगे कि ये तो जेल में था कैसे आ ये सब है ना अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता ऐसा वो सोच रहा था देयर आर सेरेमनीज़ गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी आई सेड तो मैंने क्या कह दिया मिनी के फादर बोल रहे हैं कि मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पर सैनिमनी गोइंग ऑन गोइंग ऑन मतलब चालू है यहाँ कुछ समारोह चल रहा है कुछ प्रोग्राम चालू है एंड आई एम बिजी और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ कुड यू कम अनादर डे तुम किसी और दिन आ सकते हो ऐसा मिनी मी, के फादर ने कहा ऐसा वो बता रहे हैं ना एट वंस और तुरंत ही रिटर्न टू गो तो जो काबुली वाला है वो मुड़ गया जाने के लिए बट एज़ ही रीच द डोर और जैसे ही वो दरवाजे के पास तक पहुंचा ही टर्नड एंड सेड वो मुड़ा और कहने लगा मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट क्या मैं उस छोटी लिटिल वन से नहीं मिल सकता सर फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए है ना ऐसा वो कह रहा है इट वॉज हिज बिलीफ वो ये मानता था दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम कि मिनी अभी भी वैसी ही है छोटी की छोटी बच्ची ऐसा उसका बिलीफ था ऐसा वो समझ रहा था ठीक है आगे क्या हुआ इन द मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट फॉर न्यू अ फ्यू फॉर हर अ न्यू सॉरी अफ यू ऑलमंड रेजिन एंड ग्रेप्स है ना इन द मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज पुराने दिनों की यादों को संजोई हुए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही हैड ब्रॉट वो लेकर के आया था फॉर हर मीनी के लिए हर मतलब मीनी के लिए क्या लेकर आया था अफ यू थोड़े से ऑलमंड बादाम रेजिन किसमिस और ग्रेप्स मतलब अंगूर लेकर के वो आया था हैड वैब्ड दैम उसने इसे वैप करके रखा था कवर करके रखा था रैप अप करके रखा था बांध के रखा था केयरफुली बड़ी सावधानी से इन अ पीस ऑफ पेपर एक पेपर में बांध के वो लाया था है ना वो दिख रहा है उसके हाथ में तो बता रहे हैं उसके पिताजी फिर क्या हुआ मिनी के फादर बता रहे हैं देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस आई सेड अगेन मैंने फिर से कहा अरे मेरे घर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है है ना यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी वन टूडे आज तुम किसी को नहीं देख पाओगे किसी से नहीं मिल पाओगे है ना हियरिंग दिस ऐसा सुनकर द मैंस फेस फेल उस मैन का काबुली वाले का चेहरा क्या हो गया फेल मतलब चेहरा उतर गया है ना वो थोड़ा सा सैड हो गया एंड ही वेंट आउट और वो बाहर चले गया है ना आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था मुझे लगा यार मैंने उसे मिलने नहीं दिया सॉरी बहुत सॉरी फील कर रहा था आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक मैं उसे वापस बुलाने ही वाला था आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक मैं उसे वापस बुलाने ही वाला था बट ही वॉज रिटर्निंग लेकिन वो रिटर्न ही हो रहा था ऑफ हिज ओन अकॉर्ड अपने ही मर्जी से वो रिटर्न हो रहा था है ना अकॉर्ड मतलब अपने ही हिसाब से वापस खुद ही खुद वो क्या हो रहा था रिटर्न हो रहा था और ही केम क्लोज टू मी और वो मेरे पास आया एंड सेड और कहने लगा सर I brought दिस few things. दिस few things का मतलब वही almond, raisin और grapes है ना मैंने ये कुछ छोटी सी चीज़ें लाया फॉर द लिटिल वन मतलब उस मीनी के लिए विल यू गिव दैम टू हर क्या तुम ये गिव दैम मतलब ये सब चीज़ें दे दोगे उन्हें ऐसा वो कह रहा है मीनी को दे दोगे I took them and was going to pay him. मैंने वो सब चीज़ें ले ली और उसे कुछ पे करने वाला था पैसे वैसे पे करने ही वाला था बट ही कॉट माई हैंड लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड said और कहने लगा काइंड सर दया करो सर डोंट ऑफर मी एनी मनी मुझे कोई पैसे ऑफर मत करो मुझे कोई पैसे मत दो आई टू हैव अ डॉटर लाइक हर इन माई होम आई टू मैं भी हैव मेरे पास भी है अ डॉटर मेरी एक पुत्री है लाइक like हर उसी के जैसी मिनी के ही जैसी इन माई होम मेरे घर भी मिनी के ही जैसी मेरी भी एक पुत्री है ऐसा वो कह रहा है आई थिंक ऑफ हर मैं उसी के बारे में सोचता हूँ एंड ब्रिंग लेकर के आता हूँ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड और इसीलिए तुम्हारी बच्ची के लिए भी मैं क्या लेके आता हूँ फ्रूट लेकर के आता हूं नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ अपने लिए कोई लाभ कमाने के लिए मैं ऐसा नहीं करता है ना प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं करता ऐसा वो कह रहा है ठीक है आगे क्या होता है देखो लास्ट पेज बचा हुआ ये दिस ऐसा कहते हुए द ही ट आउट फ्रॉम हिस्स पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऐसा कहते हुए अपने जेब से एक छोटा सा अपने जेब से एक पेपर निकालता है वो विथ ग्रेट केयर बड़े सावधानी से ही स्मूथड इट आउट स्मूथ आउट का मतलब होता है खोलना पेपर को अनफोल्ड करना फ्लैट करना बिल्कुल है ना वो क्या करता है स्मूथ आउट करता है पेपर को अनफोल्ड करता है खोलता है ऑन माई टेबल मतलब मेरे टेबल के ऊपर रख देता है खोल के पेपर को है ना ऐसा वो बता रहे मिनी के पापा वही सारी कहानी बता रहे हैं ना इट बोर उसमें छपा हुआ था द इम्प्रेशन कुछ निशान छपा हुआ था ऑफ अ लिटिल हैंड एक छोटे से हाथ का निशान उस पर छपा हुआ था द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मर्ड हैंड उसमें जो निशान छपा था वो क्या हाथ से सने हुए रंगे हुए स्याही से इंक स्मर्ड हैंड का मतलब स्याही से रंगे हुए हाथों का जो निशान था है ना लेड मतलब छपा हुआ था फ्लैट ऑन द पेपर पेपर पर एकदम फ्लैट ऐसा छपा हुआ था छोटे छोटे हाथों का निशान था वो पर इंक स्मर्ट मतलब स्याही से रंगे हुए टीयर्स केम टू माई ईयर्स मेरी आंखों से क्या आइज टीयर्स केम टू माई आइज मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े आई सेंड फॉर मिनी इमिडिएटली वो छोटे हाथ के निशान किसके थे मिनी के ही थे जब उसने कभी लेकर के रखा था उससे पहले ना तो आई सेंट फॉर मिनी इमिडिएटली मैंने भिजवाया किसी को मिनी के लिए तुरंत मेनी ऑब्जेक्शंस वर रेज कई सारे ऑब्जेक्शन उठाए गए ऐसा क्यों मिनी तो से क्यों मिलने दे रहे हो इससे ऐसा वैसा करके बट आई वुड नॉट लिसन लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी मिनी केम एंड स्टूड बेसफुली बिफोर मी मिनी को बुलाया गया वो आई और मेरे सामने खड़ी होगी फादर बोल रहे मेरे सामने खड़ी होगी बेसफुली मतलब थोड़ी सी शरमाते हुए सी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे वो क्या थी क्लैड मतलब अच्छा थी पहनी हुई थी है ना Clad इन द रेड सिल्क लाल कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी ऑफ हर वेडिंग डे अपने शादी के दिन की है ना और क्या हुआ द काबुली वाला लुक्ड डीपली जो और जो काबुली वाला है वो देख रहा था बड़े ध्यान से एस्ट्रोनिस्ट और सरप्राइज होकर के देख रहा था एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड और अंत में उसने मुस्कुराया और कहा लिटिल वन ए छोटी आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो क्या ससुर के घर जा रही हो ससुराल जा रही हो क्या ऐसा वह कह रहा है बट मिनी लेकिन मिनी नाउ अंडरस्टूड अब समझ चुकी थी समझती थी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ अब वो फादर इन लॉ का मीनिंग समझती थी सी फ्लसड आउट एट द क्वेश्चन उसने सवाल का को कोई जवाब तो नहीं दिया फ्लस आउट मतलब इग्नोर कर दिया जवाब नहीं दिया एंड कैप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम और उसी के सामने खड़ी रही विद हर फेस टर्न डाउन अपने चेहरे को नीचे झुकाती हुई क्योंकि वो काफ़ी शर्मा रही है वैन सी हैड गॉन और जब वो मिल करके मिनी रहमान हीव्ड अ डीप साई रहमान ने एक गहरी सांस लिया सुकून की सांस लिया द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रॉन इन दिस लॉन्ग टाइम उसकी डॉटर भी है ना क्या हो गई होगी ग्रो हो गई होगी बड़ी हो गई होगी इन दिस लॉन्ग टाइम है ना इस इतने लंबे समय में तो उसकी डॉटर भी बड़ी हो गई होगी बहुत है ना ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर अगेन और uh, उसने फिर से अपने कुछ नए नए फ्रेंड भी बना लिए हो एंड बिसाइड्स और दूसरी तरफ व्हाट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन ऑल दीज ईयर्स और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा इतने सालों में भाई है ना क्या क्या चेंजेस आ गए हो उसमें ऐसा वो सोच रहा है इतने सालों में आई टुक आउट अ बैंक नोट ये जो का इसके पिता है मिनी के वो क्या कह रहे हैं मैंने एक बैंक का नोट निकाला मतलब एक नोट निकाला एंड गेव इट टू हिम और मैंने काबुली वाले को दे दिया और क्या कह रहे हैं वो गो बैक टू योर ओन डॉटर तुम अपने खुद की डॉटर के पास वापस चले जाओ रहमान है ना रहमान इन योर ओन कंट्री अपने खुद के गांव में आई सेड मैंने ऐसा कहा ये बता रहे हैं उनके पिताजी है ना मिनी के मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग तुम्हारी जो मुलाकात है है ना अपनी बेटी के साथ तो उसकी जो खुशियाँ हैं खुशियाँ हैं ब्रिंग वो लेकर के आए गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड मेरी बच्ची के लिए एक अच्छी किस्मत लेकर के आए अच्छी है ना अच्छी विश लेकर के आए द मैरिज पाइप्स साउंडेड और इस तरह से शादी की सहनाइयाँ बजने लगी टू मी ये फादर जो बोल रहे हैं मिनी के वो क्या बोल रहे हैं टू मी मेरे लिए देर म्यूजिक वो जो म्यूजिक जो बज रहा था साउंडेड जो है ना साउंड कर रहा था ऑल द मोर स्वीटर वो और भी ज़्यादा मीठा था टू थिंक क्योंकि मुझे वो टू थिंक ये सोचते हुए दैट क्योंकि मैं सोच रहा था कि इन अ डिस्टेंस लैंड किसी दूर किसी अजनबी जगह पर अ लॉन्ग लॉस्ट फादर कई दिनों दिनों से बिछड़ा हुआ पिता खोया हुआ एक पिता वुड मीट अगेन वो आज फिर से मिलेगा विद हिस ओनली चाइल्ड अपनी इकलौती बच्ची से मतलब यहाँ जो सेहनाइयाँ बज रही है इसके दो मतलब हैं तो ये जो इंसान है जो राइटर वो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं ये सेहनाइयाँ उस खुशी के लिए बज रही क्योंकि एक लॉन्ग लॉस्ट फादर कई दिनों से जो खोया हुआ पिता था जो जेल में था आज अपनी बच्ची से फिर से मिलने कहीं दूर डिस्टेंस लैंड कहीं और किसी अजनबी जगह में मतलब किसी दूसरी जगह में मिलने वाला है इसलिए सहनाया बजरी ऐसा वो सोच रहा था ये राइटर इसलिए उसे सहनाया और भी ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही थी ये जो म्यूज़िक है इसके दो मीनिंग है एक तो ये जो बेटी है मीनी एक बाप से एक पिता से आज बिछड़ने वाली क्यों क्योंकि आज विदाई का दिन है शादी होने वाली और ये सेहनाइयाँ उसके विदाई में बजने वाली तो एक दुख का भी विषय है और एक पिताजी भी एक अपनी कई दिनों से जो अपने बेटी से बिछड़े हुए थे दूर थे वो भी आज अपनी बच्ची से मिलने वाले हैं एक बच्ची अपने पिता से अलग हो रही है और एक पिता कई सालों बाद अपनी बच्ची से मिलने वाला है इस टाइप से यह सहनाइयां बज रही है ठीक है स्टूडेंट तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा हुआ है ठीक है तो आप ये इसका सेकंड पार्ट था अभी आखिरी पार्ट था चैप्टर खत्म हो चुका है तो आज हम इतना ही रखते हैं तो अगले लेक्चर में हम कुछ नया चैप्टर कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ठीक है जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी आप मुझे सजेस्ट कीजिए ठीक है और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट